नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज द मास डेंसिटी ऑफ अ स्फेरिकल गैलेक्सी वेरीज एज के बाय आर ओवर अ लार्ज डिस्टेंस आर फ्रॉम इट सेंटर इन दैट रीजन अ स्मॉल स्टार इज इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस कैपिटल आर देन द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इसका जो रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड है टी डिपेंड्स ऑन आर एज और टी और आर के बीच में रिलेशनशिप अपने को बतानी है ना सवाल थोड़ा सा सुनने में पहली बार वो करके लगता है कि हो क्या रहा है बट मुश्किल नहीं है सवाल स्नैरियो ये है कि यह आपकी कोई एक गैलेक्सी है लेट्स से इसका रेडियस आर है और यहाँ पे आपके बहुत सारे स्टार्स ऐसे 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 ये होएगा और इसकी जो गैलेक्सी की डेंसिटी है रो वो अपने को दिए वो के बाई आर से वेरी कर रही है सेंटर से आपका ऐसे वेरी कर रही है ना अब आपका एक छोटा स्टार है जो यहाँ पे लेट्स से इस रेडियस पे ऐसे घूम रहा है आ, यहाँ से इसका रेडियस आर है इसका मास एम है और ये ऐसे अपना सर्कुलर मोशन कर रहा है अब हमें बताना है कि इसका जो टाइम पीरियड होएगा वो कैसे होएगा ना उसके और आर के बीच में क्या रिलेशन होएगा ना ये जो पार्टिकल आपका ये जो आपका स्टार सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका रीज़न होएगा ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसके अंदर लग रहा है और वो आपको नेसेसरी सेंट्रीप्यूटल फोर्स प्रोवाइड करेगा तो हमें इस गैलेक्सी का जो ये रेडियस आर है उसका मास इंटीग्रेट करके एक बार निकालना पड़ेगा ना अपने को जो डेंसिटी दी हुई है डेंसिटी दी है के बाई आर और तो उसका जो छोटा सा मास यहाँ पे हम करेंगे इंटीग्रेट तो यहाँ पे हमने एक छोटे रेडियस आर पे जाके एक छोटा सा यहाँ पे ऐसे रिंग ये मानी जिसकी थिकनेस आपकी डी आर है और लेटे से इसको हम छोटे आर रेडियस पे इसको मान रहे हैं तो इसका जो छोटा मास एम आएगा डी एम देट विल बी इक्वल टू रो मल्टीप्लाइड बाई आपका डी वी जो इसका वॉल्यूम आएगा इसको यहाँ पर लिख सकते हैं रो आ, उसको आप लिख लें के बाई आर मल्टीप्लाइड uh, बाय जो इसका वॉल्यूम होएगा अब यह हम स्फेरिकल शेल कंसीडर कर रहे हैं सो दिस विल बी इक्वल टू फोर पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डी अब इसको हम जीरो से आर तक अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो बाकी सब तो कॉन्सटेंट हैं अलाइट तो इसको ये भी अंदर ले आते हैं सो so, इसको पकड़ के हमें इंटीग्रेट करना है जीरो से आर तक सो so, आपका जो मास आएगा दैट विल बी इक्वल टू के एक काम करते हैं ये फोर पाए के तो आपका कॉन्सटेंट आ गया ये बचा आपका डी बाय आर नहीं ये बचा आपका R डी आर का इंटीग्रेशन R डी आर का इंटीग्रेशन जीरो से आर और ये बात अपने को पता है कि R डी आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर हो गया सो तो आपका जो मास ऑफ गैलेक्सी विच इज इनसाइड वो आ गया फोर पाए के आर स्क्वायर बाय टू विच विल बी इक्वल टू टू पाए के आर स्क्वायर ये आपका मास आ गया नाउ जब ये तो ये टोटल मास आपका गैलेक्सी का विच इज इनसाइड द ऑर्बिट है वो आ गया और इसका जो फोर्स होएगा जी एम एम बाई आर स्क्वायर सो यहाँ पे आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होएगा वो आपको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा एम वी स्क्वायर बाय आर सो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा आपका जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर विच एम्प्लाइज अच्छा एम की वैल्यू यहाँ पर हम ये फिट कर देंगे सो दिस विल बी इक्वल टू जी मल्टीप्लाइड बाई टू पाई के आर स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर विच एम्प्लाइज अपनी वी की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बीवल टू वी स्क्वायर एक आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा सो दिस विल बी इक्वल टू टू पाए जी एम आर और ये एम भी कैंसल हो जाएगा सो यह बचा टू के रह गया एक ठीक है और वी की जो वैल्यू है वो अंडर रूट में ये आ जाएगी तो ये आपका वी आ गया ना ये बात अपने को पता है कि कोई पार्टिकल अगर वी वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड जो है टाइम पीरियड टी उसको हम लिखते हैं टू पाई आर बाय वी सो विच मीन्स टाइम पीरियड हो जाएगा टू पाई आर डिवाइडेड बाय वी वी का मतलब हो गया इसको हम लिख देंगे अंडर रूट टू पाई जी के आर ऑलाइट सो विच एम्प्लाइज आपका टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल हो गया अंडर रूट आर के सो so, हाँ अंडर रूट आर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा विच मीन्स आपका ऑप्शन नंबर थ्री विच इज टी स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर लें सो वी कैन से टी इज प्रोपोर्शनल टू आर विच मींस आपका ऑप्शन नंबर थ्री टी स्क्वायर इज प्रपोशन टू आर वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम